हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। और ये एक्सरसाइज में मात्र 5 क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि इन क्वेश्चंस को देख लीजिए ध्यान से, और अपने कॉपी में पहले खुद से बनाइए, और तब फिर आप सॉल्यूशन देखिए और वीडियो तब आगे बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपका खुद का दिमाग लगेगा, और आप बना पाते हैं कि नहीं ये आपको पता चलेगा। तो मैं तो एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व किया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़े हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A जो है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना है। तो एक्सरसाइज 1A में है, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये कहा जा रहा है कि ये प्रोपोर्शंस में दिए गए हैं, लेकिन बीच में कोई नंबर मिस किया हुआ है, उस नंबर को निकालना है। हमने क्या किया कि जो नंबर मिस किया हुआ है उस नंबर को मैंने एक्स मान लिया। तो मीन टर्म हमारा इसमें देखिए, मीन टर्म हम पिछले क्लास में ही बताए थे। मीन टर्म जो होता है, ये और ये दोनों मीन टर्म है, और ये साइड बाय साइड है, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म है। तो ये मीन टर्म्स हमने लिखे हैं कि मैंने जो जो मिसिंग नंबर है उसको एक्स मान लिया, तो ये जो मीन टर्म है 1/2 और एक्स हो गया। एक्सट्रीम टर्म यानी कि साइड बाय साइड वाले टर्म कौन कौन से हैं, 1/3 और 1 है। और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा ध्यान से। अब देखिए, 1/2 × x ये मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया, और 1/3 × 1 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया। अब यहाँ से x को इसी तरफ रहने दिए, इधर से 1/2 था उस तरफ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो देखिए 1/3 × 2/1, और इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/3 आपका ये आंसर होगा। तो आप इसमें इसी तरह से आप जो है टू नंबर में बी सॉरी बी नंबर में वन का बी नंबर में देखिए, यहाँ वाला टर्म मिसिंग है, यहाँ पे हम लोग एक्स मान लेंगे, और उसी तरह से मेन टर्म इंटू एक्सट्रीम टर्म करके बनाएंगे। तो देखिए मैंने बनाया प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसमें हम अलग अलग लिख कर आपको दिखाए थे, ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप एक बार जान गए। अब देखिए एक्स गुना 8/9, यानी कि ये दोनों मेन टर्म बताए थे, ये दोनों बगल बगल वाला मेन टर्म हो गया, और ये साइड बाय साइड है, ये एक्सट्रीम टर्म है, तो 4/7 × 1 एक्सट्रीम, और ये 8/9 इस साइड था तो 9/8 इस साइड हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9/14 आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इसका हम आपको एक क्वेश्चन इसका छोड़े हैं, सी नंबर आप खुद बनाकर और दिखाइएगा। अब है 2 नंबर में, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन द ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शन और नॉट। अब ये देखिए, ये नंबर दिया गया है, अब आपको देखना है कि प्रोपोर्शन में ये चारों नंबर है कि नहीं है। तो इस चारों को देखने के लिए हम लोग इसी तरह सजाएंगे, और सजाने के बाद देखेंगे कि ये मेन टर्म और एक्सट्रीम टर्म इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है। देखिए मैंने वही किया है, 7.2 को यहाँ लिखा, 9.6 को यहाँ, और इस साइड 4.5/60, और तब हमने इसको सिंपल रेशियो में किया है। तो जब सिंपल रेशियो में किया तो 3/4 इधर भी आ गया, 3/4 इधर भी आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल आ गया, इसीलिए ये प्रोपोर्शन में है। बी नंबर में देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ था, 3 होल 1/2, 3 होल 2/5, 3.05, 3.04। इसमें भी उसी तरह से इसको हमने पहले सॉल्व किया है, जैसे 3 होल 1/2 था तो इसको 3 2 6 17/2, 3 5 15 + 2 17/5, और इधर तो पॉइंट में था इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, अब 7/2 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 आ जाएगा, और 17/5 को डिवाइड कीजिएगा तो 3.4 आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो दोनों क्या इक्वल आएगा, नहीं इक्वल आएगा। जब इक्वल नहीं है इसका मतलब कह देंगे कि हेंस द गिवन नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ से इक्वल नहीं रहा है,
और इसको कट करिएगा तब पर भी इक्वल नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ इन द प्रोपोर्शन 2/5 इज टू ए, प्रोपोर्शन 3/7 इज टू 4/9। अब ये नंबर प्रोपोर्शन में है और ए का वैल्यू निकालना है, तो आपको ऑलरेडी वन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझिए कि सपोज कीजिए कि ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए हैं, इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए और तब नहीं बने तब बताइए, देखिए कि हम क्या बताए हैं। वैसे देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना था जो अगर आपको खुद से बनाने के लिए टाइम चाहिए था तो। अब फिर देखिए 2/5 है, ए है, 3/7 है और 4/9 है। प्रोडक्ट ऑफ मीन किए हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किए हैं, तो यहाँ पे ए और 3/7 दोनों मीन टर्म है, तो दोनों को इधर गुना किए और 2/5 और 4/9 इस साइड एक्सट्रीम को गुना किए। अब ए इज इक्वल टू, जैसे यहाँ मैं बताते थे कि 3/7 रहता है तो उस साइड जाता है तो 7/3 होता है, तो उसी तरह 7/3 हो गया। इसको आप कट नहीं कर सकते हैं, ऊपर में और नीचे में कोई ऐसा कट नहीं हो रहा, तो गुना कर दिए, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, और 9 5 जा 45, 45 3 जा 345, सॉरी 135। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना के देखिए। कहा जा रहा है कि प्रेजेंट एज जो है प्रभात और अनीशा का, वो 3/4 है इफ प्रभात इज 6 ईयर एंड 9 मंथ्स ओल्डर देन देन फाइंड द एज ऑफ अनीशा। एक का उम्र दे दिया गया है और दूसरे का नहीं दिया गया है, और दोनों का रेशियो दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सब प्रोपोर्शन में होगा, तो आप जो नहीं दिया हुआ है उसको आप एक्स मानेंगे या प्रोपोर्शन में रख के बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हैं, वैसे ही बनाइए और तब वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि आप लोग को आए। अब देखिए 3/4 दिया हुआ था रेशियो, और 6 ईयर 22 मंथ को जब हम मंथ में चेंज करेंगे तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 6 ईयर का 72 मंथ हो जाएगा ना, 12 6 72, तो 72 महीना और प्लस 9 महीना 81 महीना ये हो गया। और तो इस तरह से हम महीने में इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि दो अलग अलग मतलब हो जाता है महीना और साल, है ना, या फिर पॉइंट में करना पड़ता, तो 3x इज इक्वल टू 81 इंटू 4। अब ये देखिए यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाए हैं, और नहीं तो सीधा आप जानते हैं कि इधर 3/4 है तो इस साइड आके 4/3 हो जाएगा, और इधर से जब सब कुछ ले आते हैं तो इधर ऐसा नहीं कि 0 हो जाएगा, इधर 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स को उधर मल्टीप्लाई किए तो 3x, और ये 81 को 4 से गुना किए तो ये, अब 3 से डिवाइड करेंगे 27, 27 4 जब 108। अब अनीशा का उम्र 108 महीना था तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो साल हो जाएगा, तो 12 9 जा 108 होता है, तो इस तरह से 9 ईयर्स की अनीशा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें कहा जा रहा है कि जो वेट होता है किसी वस्तु का धरती पे और चांद पे वो प्रोपोर्शन में होता है, तो किसी वस्तु का जो वजन धरती पे है 78 है और चांद पे 13 है, तो उसी तरह से आनंद का जो अगर वेट धरती पे 45 है तो मून पे कितना होगा, ये सब प्रोपोर्शन में होगा। इस तरह से आप जो है वेट ऑफ आनंद और मून जो है एक्स मान लेंगे और सबको प्रोपोर्शन में कर लेंगे, कैसे आप लोग खुद सोचिए, और तब नहीं आए तब देखिए। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने ये सब चीज़ लिख दिया है कि धरती पे उसका कितना वेट है और चांद पे कितना है ना, तो आप देखिए क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, इस लाइन को समझिए। सिंस वेट ऑफ वेट ऑन द मून एंड द अर्थ आर इन प्रोपोर्शन, चूंकि वेट जो मून पे और अर्थ पे था वो प्रोपोर्शन में था, तो इस तरह से
जब ये प्रोपोर्शन में था तो हमने क्या किया कि सबको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। देखिए, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, और दोनों को रेशियो में लिखे, और इस तरह से प्रोपोर्शन वेट ऑफ आनंद ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ आनंद ऑन मून, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक से यहाँ चला जाएगा और 13 जो है इस साइड से 45 के साथ आ जाएगा, तो 78 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 3, और एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 13 बाई 78। इसको डिवाइड करेंगे 13 सिक्स 78 एंड 6 से फिर से 45 बाई 6 आ गया, इसको फिर 2 से कट करेंगे 3 से कट करेंगे, 3 15 थ्री ज़ा 45 एंड 3 टू ज़ा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 का आधा 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो ये 75 kg का वेट होगा मून पे आनंद का। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। और अब एक्सरसाइज 8.3 में यूनिटरी मेथड पढ़ना है, तो आप लोग यूनिटरी मेथड का आज पढ़ के और जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो हम कल एक्सरसाइज इसमें बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि यूनिटरी मेथड में होता क्या है। यूनिट मतलब एक, और यूनिटरी मतलब एक का, और यूनिटरी मेथड मतलब एक का मेथड, यानी एक से निकालने का मेथड। यानी कि सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है कि 5 मैंगोज या 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 38 रुपीज़ है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा? तो आप 5 पेन का दाम जब 38 रुपीज़ दिया हुआ है तो आप एक पेन का निकालेंगे, और एक पेन का निकालने के बाद तब फिर से 10 पेन का निकालेंगे। तो इस तरह से एक का निकालने के बाद फिर पूरे का निकालते हैं, इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये प्रोपोर्शन में रहते हैं, मतलब इनको जो है रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू बनाते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं जिसमें कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। जैसे सपोज करिए कि आप पेंसिल खरीदने गए, एक पेंसिल खरीदिएगा तो 5 रुपया, दो खरीदिएगा तो 10 रुपया, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल के बढ़ने से आपका दाम भी बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अनियन यानी कि प्याज को खरीद रहा है, अनियन नंबर वेट ऑफ अनियन जो है वो जैसे ही बढ़ रहा है वैसे ही उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ घटता है। जैसे सपोज करिए आपको की फीवर लग गया, तो आप जो वो जो अगर फीवर लग गया तो आपको सुस्ती हो जाएगा, और ज़्यादा फीवर लगा और ज़्यादा सुस्ती, मतलब फीवर ज़्यादा लग रहा है और जो है फीवर का उल्टा में क्या हो जाएगा, फुर्तीलापन, है ना। आप फीवर ज़्यादा लगेगा तो फुर्तीलापन कम हो जाएगा। अब उसी तरह से और भी मेथड है, और भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे आप देखिए इसमें कि स्पीड इन किलोमीटर, इनडायरेक्ट मेथड प्रोपोर्शन में, यानी कि जो एक चीज़ बढ़ने पे दूसरा चीज़ घटता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 60 मिनट लगा तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर, 30 में 10 और 20 में 15। इसको एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तो हाँ ये देखिए समझ में तो आ ही रहा है। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 60 था, ये 10 हो गया तो 30, यानी कि ये बढ़ा तो ये घटा, इसको तो 60 से और आगे जाना चाहिए था क्योंकि ये भी बढ़ा। ऊपर में आप देख सकते हैं इसमें ये एक हुआ, एक के बाद जब दो हुआ तो 17 के बाद 34 हो गया, ये दो के बाद 5 हुआ तो 85 हो गया। तो उस तरह से ये ऊपर वाला लाइन बढ़ रहा था तो नीचे वाला भी बढ़ रहा था उसमें, लेकिन इसमें क्या है कि 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, जब 10 के बाद 15 हो रहा है तो ये और 20 हो रहा है, ये 30 हो गया, ये और 10 हो गया, यानी कि ये घट रहा है एक और दूसरा बढ़ रहा है। इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको आप लोग पढ़ के और रखिए, हम अगले दिन बताएंगे और डिटेल में, और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 8.3 का।
तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।